मॉर्निंग एवरीवन, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। आप सबको मेरे चैनल में फिर से स्वागत है। तो आज है बुद्ध पूर्णिमा और शेर के पापा बुद्धिस्ट है, तो हम लोग अभी थोड़ी देर में जाएंगे भगवान के दर्शन के लिए। अभी सुबह के 7 बज रहे हैं और हम लोग पी रहे हैं चाय और चेरी पी रही है अपना दूध और कोको भी वेट कर रहा है उसके बिस्किट के लिए। और सैड न्यूज़ ये है कि ओडियो कल चला गया, पूरा 15 दिन 15 डेज हमारे साथ रहा, उसके बाद कल वो चली गई। तो कल हम लोग बहुत इमोशनल थे, कोको भी बेचारा इमोशनल था। चेरी तो जब स्कूल से आई, उसको वैसे बताया था फिर भी शायद उसने सोचा शायद नहीं जाएगी, तो स्कूल से आई उसके बाद तो उसका पूरा रोना धोना बहुत देर तक चला। अभी वैसे हम लोग थोड़ा सेटल हो चुके हैं, चेरी अभी थोड़ा ठीक है। तो आज का क्या है, इसके पापा वॉशरूम में चले गए हैं, मैं घर फटाफट साफ कर रही हूँ। घर का पूजा करने के बाद मैं आपको दिखाऊंगी कि हमारे वहाँ पे बुद्ध पूर्णिमा कैसे सेलिब्रेट करते हैं। तो थोड़ी देर में मिलती है आप लोगों से, तब तक कोको को देख लीजिए, मेरा बेटा को देख लीजिए। और ये खाएगा बिस्कुट, मेरा कुम्पलो खाएगा बिस्कुट। तो अभी मैं अपने गार्डन में आ चुकी हूँ पूजा के लिए, फूल तोड़ने के लिए। मेरे गार्डन में अभी बहुत सारा फूल लगा हुआ है क्योंकि अभी फूलों का ही सीज़न है। तो अभी मैं हिबिस्कस तोड़ रही हूँ, इसको जवा कुसुम, जवा फूल भी बोलते हैं हम लोग। तो अभी मेरे गार्डन में बहुत सारे कलर का हुआ है, ये वाला वाइट कलर का, ये वाला रेड कलर का, और एक और कलर है उसको येल्लो बोलेंगे या क्या बोलेंगे पता नहीं, मैं आपको दिखा देती हूँ वो वाला प्लांट तो आपको समझ में आ जाएगा ये वाला कलर। और ये थोड़ा बहुत वेजिटेबल लगाया था, इस बार उतना अच्छा नहीं लगाया। और यहाँ पे भिंडी हुआ है थोड़ा बहुत, और बैंगन भी लगाया था। हाँ, ये वाला मैं बोल रही थी, ये वाला येलो कलर है शायद। और मेरीगोल्ड भी हुआ है, सोच रही हूँ मेरीगोल्ड को नहीं तोड़ूंगी, उसको रहने देते हैं। आज बस हम लोग ये जवा कुसुम से ही पूजा करेंगे। तो बहुत सारा है तो मैं सोच रही हूँ कि यही सारा एक एक करके मैं सारा तोड़ लेती हूँ। मुझे फ्लावर तोड़ना पसंद नहीं है पेड़ से, क्योंकि मुझे वो पेड़ में ही ज़्यादा अच्छे लगते हैं, तो मैं बहुत कम ही तोड़ती हूँ पेड़ से। और यहाँ पे छोटा सा बैगन भी आया हुआ है, और ये थोड़ा दूर है, यहाँ भी है वही सेम जवा कुसुम। और इस बार मैंने अपने फील्ड में लगाया था भुट्टा, और बहुत ही अच्छा भुट्टा हुआ है। ये वाला भुट्टा नेपाल से मम्मी लेकर आई थी, इसका बीज ये पता नहीं पापा के पुरखों के जो लैंड होता है ना उसमें हुआ था, उसका बीज है। तो उसको तोड़ूंगी, एक सोच रही थी, तो सोचा फूल कहाँ रखूँ, तो ये एक मैंने कचू का लीफ ले लिया और इसके ऊपर मैं फ्लावर को रख लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। इसके बाद मैं यहाँ से एक भुट्टा तोड़ लेती हूँ ताकि मैं आज भगवान को दे सकूँ, क्योंकि हमारे में है कि पहले हम लोग भगवान को देते हैं खाने से पहले। तो आज बुद्ध पूर्णिमा भी है, सोच रही हूँ आज अच्छा दिन है, तो मैं आज ये एक तोड़कर भगवान को दे दूँगी, फिर उसके बाद जो होगा वो फिर हम लोग लेंगे। देखिए तो कितना बड़ा भुट्टा हुआ है, बिल्कुल मेरे जो फेस है उसके बराबर। ये भुट्टा को भी मैं यहाँ रख लेती हूँ। उसके बाद देखिए यहाँ पे बहुत सारा भुट्टा लगा हुआ है, छोटा छोटा है अभी, वो एक दो दिन में मैच्योर हो जाएगा तो फिर मैं तोड़ूँगी। तो ये रहा मेरा गार्डन, और यहाँ भी दूसरा, ये दूसरे टाइप का है, ये भी थोड़ा एक दो तोड़ लेती हूँ मैं। आज मैं सोच रही हूँ बस पूजा जवा फूल से ही करूँ, तो इसीलिए मैं अभी एक एक कर जवा फूल तोड़ रही हूँ। तो बहुत धूप है, अब सारा फूल को मैं कलेक्ट कर लूँगी। तो अभी मैं फूल तोड़ कर आ चुकी हूँ, तो अभी फटाफट पूजा करती हूँ। तो पूजा के लिए मैंने क्या तैयारी किया है, ये फल को मैंने अच्छे से धो लिया है, या चावल से ही, चावल भी रेडी है, और मैंने बनाया है ये खीर। तो अभी मैं खीर को भोग लगाऊंगी आज। तो मेरे पास दो मंदिर है इसलिए दो बर्तन, तो मैं भगवान के लिए ज़्यादा नहीं, थोड़े थोड़े डालूँगी। ज़्यादा नहीं डालूँगी, बस थोड़ा थोड़ा ही डालूँगी, क्योंकि बहुत गर्मी है ना, ये खीर शाम तक ख़राब हो जाएगा, फिर हम लोग इसको खा नहीं पाएंगे, तो ये वेस्ट हो जाएगा, मैं किसी को दे भी नहीं पाऊँगी। तो इसीलिए बस मैं इसको थोड़ा थोड़ा डाल रही हूँ, नहीं तो अगर ठंडे का मौसम होता तो मैं इसको फुल फुल ही डालती। तो बस इतना ही डालूँगी। और ये वाला फूल मेरे घर का है, और ये वाला भुट्टा जो पहली बार हार्वेस्ट हुआ है,
तो घर पे जब पहली बार जो कुछ भी हार्वेस्ट होता है तो पहले हम लोग भगवान को देते हैं, तो आज मैं ये पहले भगवान को दूंगी, इसके बाद जो भी होगा वो हम लोग खाएंगे, आपको भी दूंगी। तो चलिए फटाफट पूजा करना तैयार कर, पूजा करने के लिए मैं तैयार हो जाती हूँ, मैं तैयार तो नहीं होंगी मतलब फटाफट ऊपर जाके सब कुछ करती हूँ। बहुत गर्मी है आज, बहुत ज़्यादा गर्मी है, ऊपर फैन भी नहीं है। और जो ये हमारा वाला ये वाला फैन है टाइम टेबल का, वो भी कुछ दिन पहले थंडर स्टॉर्म आया था, वो ख़राब हो चुका है, और इसको बनाना है अभी, एक ही दिन में मैं बना लूँगी। इसलिए मैं नांगलो में लेके आई हूँ, हम लोग इसको नांगलो बोलते हैं, आप लोग क्या बोलते हैं कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। अब मैं फटाफट, मैंने घर इधर तो पोछ उछ लिया है, अभी फटाफट भगवान को मैं रेडी कर लेती हूँ, उसके बाद पूजा करने के लिए चेरी और चेरी के पापा को बुला लेंगे, तो वो लोग दोनों भी आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा आ जाएंगे हम लोग। तो अभी मेरा पूजा खत्म हो चुका है और मैंने इस तरीके से भगवान को सजाया, मुझे इतना ही आता है। और ये रहा अपना नया कौन, मैंने यहाँ भगवान को सबसे पहले किया है, पहले भगवान ले लेंगे उसके बाद हम लोग लेंगे। और यहाँ भी मेरा भगवान है, यहाँ भी मैंने बहुत सुंदर से सजाया है। तो अब बहुत लेट हो चुका है, फटाफट रेडी होते हैं और निकलते हैं। तो अभी मैं मेकअप मेरा कंप्लीट हो चुका है और ये रहा मेरा आज का ड्रेस जो मैं पहनने वाली हूँ। ये मैंने जयगांव के महावीर वस्त्रालय की वस्त्रालय से लिया है। इस बार मैंने थोड़ा सा डिफरेंट ऐसा वाला मेरे पास नहीं था, इसको हाफ रैपर बोलते हैं शायद, तो ये वाला लिया है। और अपनी चेरी भी रेडी रेडी है, तो देखो चेरी, चेरी को आज मैंने हेयर स्टाइल कर दिया है और ये चेरी का वही पुराना आउटफिट है क्योंकि गर्मी के लिए एकदम ठीक है। मैं भी एक कपड़ा कैरी करूँगी क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी है आज। ये तो माला देखो ना, राम हरी, निकलने वाले हैं। और ये रिचेरी गेट बंद कर रही है और मैं भी फटाफट गेट बंद करके हम निकलते हैं। तो अभी हम लोग घर से निकल चुके हैं और ये रहा मेरा हीरो, चेरी पीछे है और यहाँ पे रेल गेट लगा हुआ है, लेट और लेट और ज्यादा लेट, और हम लोग वेट कर रहे हैं अभी ट्रेन का। इसके बाद हम लोग यहाँ से फटाफट निकलेंगे और मैं मिलूंगी आपको एक ही बार में दर्शन पड़ने में। लोग यहाँ से चाउमीन ले रहे हैं, चेरी के पापा गए चाउमीन लेने के लिए क्योंकि चेरी की दादी को चाउमीन खाना है, तो यहाँ से हम लोगों ने दो प्लेट वेज चाउमीन ले लिया है। तो बस अभी पेमेंट हो रहा होगा और चेरी को भी खाना है, चेरी भी खा लेगी, तो अभी यहाँ पेमेंट हो रहा है, पेमेंट होने के बाद फिर हम लोग यहाँ से घर जाएंगे और घर में ही मिलेंगे। तो अभी हम लोग घर पहुंच चुके हैं और ये जो पास वाला गुम्बा, यही हमारे घर के पास वाला गुम्बा है। और सब पूजा यहाँ पे ख़त्म हो चुका है अभी और सब लोग रैली के लिए गए हैं, हम लोग नहीं गए रैली के लिए क्योंकि बहुत गर्मी है और मैं नहीं चल पाती हूँ इतना गर्मी में, और चेरी के पापा तो चलेंगे ही नहीं। तो अभी हम लोग जा रहे हैं दर्शन के लिए, तो ये वाला गेट बंद है तो मैं गेट खोल कर फिर अच्छे से दर्शन कर लूँगी। तो आप लोग भी अच्छे से दर्शन कर लीजिए और आपका कोई भी विशेष हो, कुछ भी मांगना हो तो आप लोग मांग सकते हैं। सत्यराम राव चलेनी नानीले जान्दछ नि ओ ओ तो यहाँ पे भगवान का दर्शन करने के बाद अभी हम लोग निकल रहे हैं जयगांव की तरफ, और मैंने कपड़ा चेंज कर लिया क्योंकि बहुत गर्मी लग रही थी उस कपड़े में, और हम लोग तो है, और हमारे साथ ज्वाइन कर रही है चेरी की दादी, चेरी की माम। तो हम लोग थोड़ी देर के लिए जयगांव जा रहे हैं क्योंकि इन सब को थोड़ा शॉपिंग करना है और हम लोग को पिज्ज़ा खाना है, पिज्ज़ा खाना है। तो अभी हम जयगांव पहुँच चुके हैं, अभी घुस रहे हैं हम लोग पैंटालूंस में और बहुत ज्यादा गर्मी है। ट्राई करना, ट्राई करना।
अरे चेरी लिपी का रेक अभी हम लोग आए हैं डोमिनोज में, ये लोग उतर रहे हैं, सारा शॉपिंग कंप्लीट हो चुका है, अभी जाएंगे हम लोग डोमिनोज पिज़्ज़ा हट। गीत गाओ ना, फिर से करेगा। हाँ कविता मेरे जैसा, हाँ ठीक है, याद वैसा चला डांस चुना नहीं कोई मुझे, चुना नहीं कोई मुझे, दामी दामी घर गए गर्नुपर्छ ल माम, पिज्जा खानु आएको छ माम, आज पिज्जा खाने आइयो, और ये गेम खेल्ने ना, पिज्जा गया तो यहाँ पिज्जा है, चिकन है ना बाबा, सब पे भेज लिया आज, ये चोकलावा जूस और ये काली क्रेट, तो अब हम लोग फटाफट जाएंगे और घर के लिए निकलेंगे। कसो लाग्यो कसो लाग्यो? तो अभी हम लोग घर वापस आ चुके हैं, बुद्ध जयंती हम लोगों ने बहुत अच्छे से अपने फैमिली के साथ मनाया, तो मेरी तरफ से और मेरी पूरी फैमिली की तरफ से आप सबको बुद्ध पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामना। अगर ये ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।